all that all you want, Undertaker. You come on down. Die, 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 and all that stupid crap. रॉक के WWE के कुछ ऐसे मूवमेंट जिन्हें देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाओगे। WWE में रॉक का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है और रॉक की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, क्योंकि एक समय पर रॉक जितना फेमस रेसलर WWE में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि हद से ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग उन्हें और भी ज्यादा खास बना देती थी। और रॉक अपने मजाकिया व्यवहार की वजह से काफी ज्यादा चर्चित रहते ही थे और उन्होंने WWE के दिग्गज से दिग्गज, बड़े से बड़े सुपरस्टार्स के साथ मजाक किया है और उनका मजाक करने का तरीका भी बिल्कुल हटके है और वो घमंडी को सबक सिखाते हैं। चाहे वो महिला हो या फिर कोई पुरुष रेसलर, वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं और उनकी यही बात उनको औरों से अलग बनाती है। और आज की इस वीडियो में हम रॉक के कुछ ऐसे मोमेंट्स बताएंगे जिन्हें देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू राजपूत और आप देख रहे हैं सीक्रेट रहस्य शो यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब रॉक ने ट्रिपल एच की सजा में भी मजे करवा दिए, अब आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि मजे का मतलब यहाँ क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको पूरी स्टोरी कवर करके बताता हूँ। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच दोनों रिलेशनशिप में थे, यानी कि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। और यहाँ ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन को चीट कर रहे थे क्योंकि ट्रिश स्ट्रैटस के साथ उनका चक्कर चल रहा था। और ट्रिश स्ट्रैटस तो है ही ऐसी जादूगरनी कि किसी पर भी अपने हुस्न का जादू चला दे, और जिस पर भी ट्रिश स्ट्रैटस ने अपने हुस्न का जादू चलाया वो बंदा उनके पीछे पीछे चला जाता है। और एक टाइम पर तो ट्रिश स्ट्रैटस ने स्टेफनी मैकमैन के पिताजी को अपने हुस्न का स्वाद चखा दिया था और अब उनके ही आशिक के साथ ये मजे कर रही थी। और इनके रिलेशन के कुछ हफ्ते बाद ही ट्रिश स्ट्रैटस का मैच हुआ था लीटा के साथ, क्योंकि उनके बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। और जब ये मैच स्टार्ट हुआ ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा का, तो इस मैच में इंटरफेयर किया था रॉक ने और रॉक ने अटैक किया ट्रिश स्ट्रैटस पर। और इस चीज का फायदा उठाकर लीटा इस मैच में जीत जाती हैं और फिर अचानक से रिंग में आ जाते हैं ट्रिपल एच, क्योंकि वो ट्रिश स्ट्रैटस के आशिक ही हैं और वो अपनी माशूका को बचाने के लिए रिंग में तो आएंगे ही। और उन्होंने रिंग में से रॉक को बाहर निकाला और फिर ट्रिश स्ट्रैटस को देखने लगे, तभी अचानक से रॉक ने चेयर उठाकर ट्रिपल एच की पीठ पर वार किया और ट्रिपल एच ट्रिश स्ट्रैटस के ऊपर गिर गए। और अब आप इसे मजे से देख सकते हैं कि उनका औजार और ट्रिश स्ट्रैटस का मुंह कहां पर है। तो ये था सजा भी और मजा भी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कॉमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, फिर आगे आने वाली वीडियो में आपका नाम भी जरूर लिया जाएगा। अब बताते हैं जब रॉक ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की लेनी कर दी थी। दोस्तों, अगर आप शुरुआत से ही WWE को देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की कंट्रोवर्सी कितनी ज्यादा भयंकर है। ये एक दूसरे के पीछे ऐसे पड़े रहते थे जैसे कि बिल्ली चूहे के पीछे पड़ती है। कभी ये रिंग में एक दूसरे को पीटने आ जाते और कभी बैक स्टेज सीन में एक दूसरे का जीना हराम करके रखते थे। और एक बार क्या हुआ कि रॉक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की चैंपियनशिप को लेकर फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं, यानी कि उनकी चैंपियनशिप को बराबर में रखकर मछलियां पकड़ रहे थे। तभी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपनी गाड़ी में वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही रॉक पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके ये प्रयास नाकाम रहे क्योंकि रॉक ने उनको वहीं पकड़कर खूब धोया। अब बताते हैं एक ऐसा सेगमेंट जिसके मुताबिक मैच जीतने पर पिछवाड़े की पप्पी मिलेगी। दोस्तों, बात है उन दिनों की जब रॉक और बिली गन की आपस में फ्यूड चल रही थी और इस फ्यूड का लास्ट मैच हुआ समरस्लैम में। और बिली गन ने खुद इस मैच में एक सेगमेंट रखा जिसके मुताबिक जो भी इस मैच को हारेगा वो इस मोटी सी महिला के पिछवाड़े की पप्पी लेगा। और दोस्तों, समरस्लैम का मैच शुरू हुआ और वो महिला भी अपने पिछवाड़े को सजा कर खड़ी हुई थी। और इस मैच में रॉक बिली गन पर भारी पड़ रहे थे और अपने फिनिशिंग मूव्स लगाकर उन्हें धाराशायी किया और फिर उन्हें उठकर उस मोटी सी महिला के पिछवाड़े की पप्पी दिलवाई और उनको बुरी तरह से उनके पिछवाड़े पर दे मारा। दोस्तों, बिली गन का ये सेगमेंट उन पर ही भारी पड़ गया। और इस मोमेंट को लेकर आपको क्या कहना है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। अब बताते हैं जब अंडरटेकर के माइंड गेम्स रॉक पर नहीं चले। दोस्तों, रॉक एक कंट्रोवर्शियल रेसलर है, उनकी कंट्रोवर्सी किसी ना किसी रेसलर के साथ चलती ही रहती है। और 90s के दौर में उनकी कंट्रोवर्सी थी अंडरटेकर के साथ। और इसी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए इनका एक मैच रखा गया रॉ के एक एपिसोड में। और दोस्तों, इस मैच में अच्छी पकड़ बनाई रॉक ने अपनी फुर्ती को लेकर, और अंडरटेकर को एकदम बावला सा कर दिया था इन्होंने अपने मूव से, और अंडरटेकर को धाराशाही कर दिया रिंग के बीचों बीच, और अपने फर्निशिंग मूव पीपल एल्बो को मारने की तैयारी करी। और जैसा कि आपको पता होगा कि पीपल एल्बो वो कैसे मारते हैं, एक रोप से दूसरे रोप पर भागकर अपनी गति बनाते हैं और तब पीपल एल्बो का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही पीपल एल्बो मारने के लिए रॉक आगे आए तो अचानक से अंडरटेकर उठ गए। जैसा कि आपने बहुत से मैचेस में देखा होगा कि जब अंडरटेकर ऐसे उठते हैं तो बहुत से रेसलर डर जाते हैं, मगर उनके इस माइंड गेम से रॉक नहीं डरे, क्योंकि रॉक है चिल बंदा। उन्होंने अंडरटेकर के उठते ही पहले उन्हें एक किक मारी और फिर फिनिशिंग मूव को मारा। तो इस तरह अंडरटेकर का माइंड गेम रॉक पर नहीं चला। अब बताते हैं जब रॉक ने कंपनी के मालिक को सबक सिखाया। दोस्तों, कंपनी के मालिक विंस मैकमैन अपनी तानाशाही खूब चलाते हैं रेसलर और अपने एम्प्लॉइज पर। वो अपने पिछवाड़े को निकालते थे और चूमने को कहते थे। बहुत से आदमियों ने विंस मैकमैन के पिछवाड़े को चूमा है, लेकिन एक दिन जब विंस मैकमैन रिंग में आए और फिर वहां अचानक से एंट्री हो जाती है रॉक की, और वो आते ही कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पिछवाड़े का ऑफर देता हूं चूमने के लिए, जिसे विंस मैकमैन मना कर देते हैं। मगर रिंग में फिर रॉक बुलाते हैं ट्रिश स्ट्रैटस को, और ट्रिश स्ट्रैटस अपना पिछवाड़ा दिखा देती है विंस मैकमैन को, और विंस मैकमैन भी उनके पिछवाड़े को चूमने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे, मगर रॉक उन्हें रोक देते हैं। और रिंग में तभी आते हैं रिकेशी, और यहाँ शुरू होता है इस मूवमेंट का असली मजा। रिकेशी अपने पिछवाड़े को तैयार करता है और रॉक विंस मैकमैन को पकड़कर रिकेशी के पिछवाड़े पर दे मारते हैं। तो इस तरह रॉक ने विंस मैकमैन को मजा चखाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इन मोमेंट्स में से कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।